पढ़ाती हूँ ताकि आपको सब कुछ याद भी हो जाए और आप इसे भूलें भी नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे तो स्टूडेंट्स ये जो आपका चैप्टर है ये स्टार्ट होता है तुषार ट्रेन जर्नी से एक तुषार नाम का लड़का है जो स्टूडेंट दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है वहाँ से चेन्नई में चेन्नई जो है वहाँ जा रहा था तो स्टूडेंट्स वो क्या कहाँ क्यों जा रहा था अब पहला क्वेश्चन कि तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई क्यों जा रहा था क्योंकि उसकी कज़िन बहन भाई की शादी थी तो स्टूडेंट्स क्या होता है जब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था तो उस टाइम उसको विंडो की जो सीट होती है वो जो विंडो बर्थ होती है वो उस पर बैठ गया जब स्टूडेंट्स वो उस पर बैठ गया तो उसने देखा कि जो पेड़ हैं जो हाउसेस हैं जो ट्रीज हैं सब क्या कर रहे हैं फ्लाई कर रहे हैं मतलब मूव कर रहे हैं जैसे ट्रेन आगे जा रही है वो पीछे जाते जा रहे हैं तो स्टूडेंट जब वो ये सारी चीज़ें देख रहा था एक बहुत अच्छा व्यू था तभी उसके जो अंकल थे वो उसे बताते हैं क्या बताते हैं स्टूडेंट वो उसे ये बताते हैं कि ये जो ट्रेन है ये वन फिफ्टी साल पहले मतलब एक सौ पचास साल पहले ये यूज़ की गई थी पहली बार फर्स्ट टाइम तो स्टूडेंट्स उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी एक सौ पचास साल पहले से भी जो पहले का दौर था पहले का टाइम था जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी तो लोग क्या करते थे लोग कैसे ट्रैवल करते थे लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो स्टूडेंट एक मिक्सचर बन जाता है एक जूस जैसे आप कोई चीज़ का मिक्सचर बनाते हैं ना फ्रूट सलाद की तरह ऐसे फ्रूट सलाद बन जाता है उसके माइंड में कि ऐसा कैसे होता होगा क्या होता होगा कैसे होता होगा तो स्टूडेंट्स आपके भी दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा होगा तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे और वो ये भी सोचता है कि फिर तो लोग ट्रैवल ही नहीं करते होंगे लोग जहाँ पे

seeds leaves stalks and eggs hunter gatherers moved from place to place there are many reasons for this first if they have stayed at one place for a long period they would have eaten up all the available plants and animal resources therefore they would have had to go elsewhere in search of, in search of food second animals move from place to place either in search of स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स दैट इज वाई दो हंटेड दैम हैॉलो देअर मूवमेंट तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में इन लाइनों में क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको पता है क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जो लोग होते थे वो कहाँ रहते थे वो सब कॉन्टिनेंट्स पर रहते थे कुछ टू मिलियन ईयर्स अगो मतलब दो मिलियन साल पहले तो स्टूडेंट्स अपन उनको कैसे डिस्क्राइब करते थे अपन उनको हंटर्स और गैदरर्स के नाम से जानते थे हंटर्स मतलब कौन स्टूडेंट्स वो जो जानवरों को क्या करते हैं मारते हैं और खाते हैं गैदरर्स कौन स्टूडेंट्स गैदरर्स वो जो गैदर करते हैं इकट्ठा करते हैं फ्रूट्स को फल को पेड़ों को और पत्तियों को और जैसे दूसरी चीज़ों को जो उनके खाने के लिए समान हो तो स्टूडेंट्स हंटर्स जो होते थे और गैदर ग्यादर गैदरर्स जो होते थे जो हंट करते थे मतलब जो जानवरों को मारते थे और जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे दोनों ही क्या करते थे स्टूडेंट दोनों ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाया करते थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा एक सवाल उठा होगा कि क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पहली चीज़ स्टूडेंट्स अगर वो एक जगह ही रहते तो वहाँ के तो सारे जानवरों को और सारी चीज़ों हंटर्स जो होते वो सारे जानवरों को मार देते और गैदरर्स जो होते वो क्या करते सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते तो सारी चीज़ें जो उनके खाने पीने की होती वो तो ख़त्म हो जाती जब जानवरों को आप मारते जाएंगे मारते जाएंगे तो उस प्लेस के उस जगह के एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे और स्टूडेंट ऐसा ही वैल्यूबल चीज़ों के साथ होता फ्रूट्स रूट्स सीड्स जो गैदरर्स थे जो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे वो भी क्या करते हाँ ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती इसलिए वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी हाँ जगह मूव करते थे और क्या करते थे किसके लिए अपने फूड के लिए और एनिमल्स के लिए क्योंकि उनको क्या करते उनको क्या चाहिए होता है उनको खाना चाहिए और खाना कहाँ से मिलेगा हंटर्स को जानवरों से मिलेगा और गैदरर्स को तो जानवरों से भी मिलेगा और प्लांट से भी मिलेगा इसलिए स्टूडेंट वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे थर्ड प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट ऑफ प्लांट्स प्लांट्स फोर्थ पीपल एंड एनिमल्स नीड वाटर वाटर टू इज फाउंड इन लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर अदर्स आर सीजनल पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव to go in search of water during the dry seasons winter and summer तो स्टूडेंट आपने दो रीज़न देखे थे कि लोग क्यों मूव करते थे हंटर्स के लिए क्या था एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं और गैदरर्स के लिए क्या था स्टूडेंट्स गैदरर्स के लिए ये था कि उनके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें जो वो लोग गैदर करते थे वो खत्म हो जाया करती हैं लेकिन स्टूडेंट अब थर्ड रीज़न क्या होगा आप सोचिए थर्ड रीज़न इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है वो ये है कि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं पेड़ पौधे होते हैं जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं उनमें जो फ्रूट्स आते हैं उनमें जो फल आते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में आते हैं जब तो आम आपको किसी और सीजन में मिलता है गर्मियों में लेकिन वही आम अगर आप सर्दियों में जाके सर्च करेंगे बाजार में तो वो आपको नहीं मिलेगा अगर मिलेगा भी तो वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होगा वो किसी दूसरी टेक्निक से प्रिपेयर किया जाएगा ऑर्गेनिक नहीं होगा तो स्टूडेंट्स प्लांट्स और ट्रीज अलग अलग सीजन में क्या करते हैं फ्रूट्स बियर करते हैं तो स्टूडेंट्स पीपल के पास एक और रीज़न था एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो ये था कि वो अलग अलग टाइम के अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को सर्च करते थे खाने के लिए भी और जो दूसरी चीज़ों के लिए भी जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे जो लीव्स होती थी प्लांट्स की उसी से दवा बनती थी मेडिसिन वगैरह और स्टूडेंट फोर्थ सीजन ये था कि अपन को पता है जो वाटर है वो लाइफ है लाइफ है तो स्टूडेंट्स बिना वाटर के इंसान कैसे जी सकता है इसलिए अगर कोई पानी नहीं है किसी जगह पे तो इंसान वहाँ नहीं रहेगा वहाँ से मूवमेंट करेगा वहाँ से कहाँ जाएगा दूसरी जगह पे जाएगा इसीलिए जो रिवर्स होते हैं लेक्स होते हैं उनके किनारे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो कुछ रिवर्स होते हैं वो पैरेनियल होते हैं और कुछ रिवर्स सीजनल होते हैं तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं पेरेनियल क्या होता है सीजनल क्या होता है स्टूडेंट पैरनील वो होते हैं जिनमें पानी पूरे साल रहता है लेकिन सीजनल वो होते हैं जहां पे पानी सीजन के हिसाब से आता है सीजनल मतलब सीजन कैसे सीजन के हिसाब से स्टूडेंट जैसे मान लीजिए बारिश में ही पानी आएगा उस रिवर में दूसरे मौसम में नहीं आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं why डू वी नो अबाउट दिस पीपल हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सवाल है कि आपको कैसे पता चला इन लोगों के बारे में क्योंकि ये लोग तो बहुत साल पहले मर चुके थे इनके बारे में तो कोई सबूत भी ऐसा कुछ है नहीं तो ऐसी क्या चीज है ऐसा कौन सा सबूत है ऐसा कौन सा प्रूफ है जिससे आपको पता चला चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं ताकि अपन को समझ में आए आर्क्योलॉजिस्ट है थिंग्स हंटर गैदर मेड एंड यूज इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स है

कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में जो ढूंढते हैं सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं तो स्टूडेंट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनने क्या किया उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली उनने कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढी जो हंटर्स और गैदरर्स ने क्या किया था बनाया था और यूज़ की थी स्टूडेंट्स जो हंटर्स थे और गैदरर्स थे उनने बहुत सारी चीज़ों को बनाया था जिसमें से कुछ स्टोन टूल्स भी थे आप क्या क्या काम लेते थे वो स्टोन टूल से मतलब कौन कौन सी चीज़ें थीं जिसमें वो यूज़ करते थे स्टोन टूल्स का तो स्टूडेंट्स स्टोन टूल्स का यूज वो क्या करते थे मीट को काटने में बोन्स को काटने में क्योंकि आपको पता है वो लोग टोटली एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंडेंट थे और फिर उसके बाद स्टूडेंट ट्रीज़ को काटने में एनिमल स्किन को अलग करने में बॉडी से फ्रूट्स को चॉप करने में रूट्स को बोन्स को या वुड को ऐसे बहुत से तरीके से वो यूज करते थे स्टोन टूल्स को और यही नहीं वो क्या करते थे फायर वुड में भी क्या करते थे स्टोन टूल्स का यूज करते थे और उन्हें वुड भी बनाया थे वुड क्या करते थे वुड काई के लिए हंड्स करने के लिए ऐसे ये स्टूडेंट्स अब आप आपको क्लियर होगा ये आप अंडरलाइन वाला देखिए स्टोन टूल्स में ऑल्सो बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स राइट स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि राइट right में क्या है राइट right में आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्लोज को स्टिच करने के लिए यूज किया जाते हैं और लेफ्ट में क्या है एनिमल स्किन को यूज किया जाता है डिक करने के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन लोगों की नोकें बहुत ही खतरनाक है बहुत नुकीले हैं नीडल की तरह तो जब ये जमीन है इस इसपे आप बहुत बार ऐसे पत्थर मारेंगे तो मिट्टी तो अलग चली जाएगी इधर इधर तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा तो ऐसे करके वो यूज किया करते थे ताकि वो चीजों को जो भी वेल्यूबल चीजें हैं जमीन के अंदर उसे निकाल लें खाने की चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं आपको समझ में तो आ रहा है स्टूडेंट्स बोर मत होइए जस्ट कहानी के तौर पे इसको समझिए चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन अब एक और टॉपिक है स्टूडेंट चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन चोस करना किसी चीज को एक डिसाइड करना कि कहाँ पे वो रहना है ऐसा कैसे होगा चलिए देखते हैं लुक एट मैप सेकेंड बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट है मैप मैनी साइट वे लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वॉटर सच एस रिवर्स एंड लाइक तो स्टूडेंट इस, इस मेप में बताया जा रहा है कि जो हंटर्स थे जो एनिमल्स को हंट करते थे और जो गैदरर्स थे जो गैदर करते थे वो कौन कौन से जगह में रहे हैं तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा ये इंडेक्स देख लीजिए जो रेड ट्राइंगल है वो है पैलियोलिथिक साइट्स और ये जो जो स्क्वायर है वो है नियोलिथिक देन ग्रीन है देन फिर अली विलेज है देन मॉडर्न सिटीज है तो स्टूडेंट्स आप इस मैप को इमेजिन कर लीजिए वैसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि पैलियोलिथिक क्या, क्या, क्या है फिर भी इस को अभी आप अपने दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे आते हैं पहले अपन पढ़ते हैं वॉट ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, भीम बेटिका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स पीपल

ओल्ड साइट है बहुत पुरानी साइट है जो रॉक से बनी है गुफाएं हैं केव्स हैं तो स्टूडेंट्स ये आर्कियोलॉजिस्ट uh, और ये प्रूव किया गया है कि ये क्या हो ये क्या है ये केव्स हैं जो पीपल यूज़ किया करते थे किस चीज़ से बचे बचने के लिए बारिश से सर्दी से गर्मी से बचने के लिए वो लोग ऐसे गुफाओं में रहा करते थे और स्टूडेंट्स ये बहुत ही क्लोज़ है नर्मदा वैली के और स्टूडेंट्स अगर आप नहीं गए हैं और अगर आप कभी भी विजिट करें एमपी तो आप जरूर यहाँ जाइएगा ओके स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोन टूल्स वेर पीपल टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताती हूँ ये जो पहले का जमाना था जब ये स्टोन टूल्स को यूज करते थे हर चीज में स्टोन टूल्स थे उनके टूल्स भी स्टोन्स थे उसको अपन स्टोन एज के नाम से जानते हैं और स्टूडेंट्स उस टाइम के लोगों को पता चल गया था कि स्टोन टूल्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लोगों ने क्या किया लोगों ने स्टार्ट कर दिया अच्छी अच्छी क्वालिटी मतलब एक बहुत अच्छा पत्थर ढूंढने की खोज में आ गए वो लोग वो पत्थर ढूंढते थे जो बहुत ही अच्छा हो और जो ईजिली अवेलेबल हो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं रॉक पेंटिंग एंड वॉट द टेलर्स अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी रॉक पेंटिंग्स बनी होती हैं तो रॉक पेंटिंग्स क्या बताती हैं अपन को चलिए देखते हैं ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग

तो स्टूडेंट्स ये स्टोन पेंटिंग्स इसलिए बनाई जाती थी जो अली पीपल थे जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे ऐसे बनाते थे वॉल्स पे क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे तो वो ऐसी चीज़ें जरूर बनाते थे और स्टूडेंट भीम बेटिका में भी ऐसी स्टोन पेंटिंग्स बनी है इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है मध्य प्रदेश और सदर उत्तर प्रदेश का ये जो पेंटिंग्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को शो करती थी और उनकी जो मतलब एक तरीके से यहाँ पे तो वाइल्ड एनिमल्स को शो किया जा रहा है लेकिन और जो पेंटिंग्स आप देखेंगे अगर आपको कभी चांस मिलेगा तो आप जरूर देखिएगा तो स्टूडेंट उससे क्या होता है उससे उनकी एक्यूरेसी उस टाइम की चीजों को पता चलता है अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स होती है ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग्स चलिए आगे आते हैं ये देखिए स्टूडेंट्स ये फोटो आपको कुछ समझ में आया इस फोटो से हाँ, पत्थर 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 स्टोन एज है स्टोन टूल्स ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है चलिए साइट्स अब साइट्स साइट्स क्या होती है आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स टूल्स पॉट्स बिल्डिंग एक्सेट्रा वेयर फाउंड दीज वी मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड माई पीपल दीज में सरफेस ऑफ द अर्थ बर अंडर द अर्थ और समटाइम इवन अंडर वाटर यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स स्टूडेंट साइट्स क्या होती है पहली चीज़ अब आपको मैं आपको बताती हूँ साइट्स क्या है अब स्टूडेंट्स वो कोई भी जगह वो कोई भी प्लेस जहाँ पे आपको क्या मिला हो रिमेन्स मिले हो रिमेन्स मतलब डेड बॉडी मिली हो किसी भी न, किसी भी डेड बॉडी मिली हो इंसान की या फिर आपको टूल्स मिले हो मतलब सामान मिले हो चीज़ें मिली हो हथियार मिले हो या आपको मटके या कोई पॉट्स मिले हो या कोई भी बिल्डिंग एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर मिला हो जो बहुत सालों पहले लोगों ने बनाया उसको यूज़ किया और वो क्या कर गए वो छोड़ के चले गए तो स्टूडेंट्स वो कैसे मिल सकता है ये जो टूल्स फोर्स और बिल्डिंग्स है किस फॉर्म में मिलेंगी ये कैसे भी मिल सकती हैं समझिए कैसे क्योंकि स्टूडेंट ये सरफेस ऑफ अर्थ पे भी मिलती हैं अंडर द अर्थ भी मिलती हैं मतलब ये आपको ये मान लीजिए ये लैंड है तो यहाँ ऊपर भी मिल जाएंगी अगर छोटा थोड़ा सा आप खोदेंगे या फिर ये पूरे में पानी है ये पानी के अंदर भी मिल सकती हैं स्टूडेंट्स और अगर और देखें तो ये क्या कभी तो अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती हैं जैसे बरी कर देते हैं ना आप किसी को दफना देते हैं ऐसे भी मिल सकती हैं ओके okay, स्टूडेंट्स समझ में आया साइट क्या होती है चले आगे आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर अब अपन क्या करेंगे अपन खोज करेंगे फायर क्या थी स्टूडेंट हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग लीजिएगा ऐसा सोचिएगा कि न्यू चीजों के बारे में पता चलेगा

पेज नंबर थर्टीन पे आपके चलिए एक बार अपन विजिट कर लेते हैं पेज नंबर थर्टीन ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप ये भी देख लेते हैं कि वो किस चीज़ का नाम ले रहे हैं इन लोगों ने नाम लिया है स्टूडेंट्स ये कुरूल कैप्स जो मैप सेकंड में है यहाँ पे क्या हुआ चलो आप पहले अपन कुरन चलिए ढूंढिए इस मैप में कहाँ है ये देखिए स्टूडेंट आपको नहीं मिला मुझे मिल गया ये कुरूल कैफ्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कुरनूल कैब्स हैं यहाँ पे अपने ए, क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में यहाँ पे क्या पाया गया था यहाँ पे एच मतलब राख पाई गई थी तो स्टूडेंट जब राख पाई गई है तो ये तो क्लियर है कि हाँ जब राख पाई गई तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हाँ फायर का यूज जानते थे जो पुराने लोग थे वो फायर का यूज करते थे क्यों यूज करते थे बहुत सी चीजों के लिए वो यूज करते होंगे पहली चीज़ वो तो उन्हें लाइट देता है लाइट के लिए यूज़ करते होंगे दूसरी चीज़ जो वो मीट खाते थे मतलब जानवरों को मारते थे उसको पकाने के लिए उसको रोस्ट करने के लिए और स्टूडेंट्स लाइट से क्या है जानवर भी भाग जाते हैं इसलिए वो क्या करते थे जानवरों को भगाने के लिए भी इसका यूज़ करते होंगे चलिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट यहीं एंड होता है अब आगे का चैप्टर अपन सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे मैं पूरा एक रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ ताकि आप बोर नहीं हो दो पार्ट में बनाएं ओके बाय टेक केयर